अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपने चेहरे पे प्राइमर लगाऊंगी और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ एफ का प्राइमर जो कि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और काफी एफोर्डेबल प्रोडक्ट भी है मैं थोड़ा प्राइमर अपने आईलेट पर भी लगाऊंगी आईलेट पर हमें हमेशा प्राइमर अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारा जो आई शेडो है वो अच्छे से टिका रहे अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन और मैंने यहाँ पर लिया है वेटन वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन और मेरा जो शेड है वो है प्रोन्ज बेफ फाउंडेशन को मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूँगी हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स के फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मिनिमम पाँच मिनट का टाइम दीजिएगा आपका फाउंडेशन जितने अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करेंगे उतने अच्छे से आपका मेकअप जो है वो उभर कर आएगा फाउंडेशन के बाद अब बारी आती है कंसीलर अप्लाई करने की और मैंने यहाँ पर लिया है अगेन वेट एंड वर्ल्ड का फोटो फोकस कंसीलर ये करेक्टर का भी काम करता है मेरा जो शेड है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है मीडियम टाउनी है जो भी परचेस लिंक होगी वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा और अगेन मैं कंसीलर uh, को भी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैबिंग मोशन में ब्लेंड करूँगी देन मैं पूरे चेहरे पर नहीं बट जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करूँगी ताकि फाइन लाइन्स ना दिखे देन मुझे अपने चेहरे को काउंटर करना है काउंटरिंग करने के लिए मैंने आई शेडो पैलेट का यूज़ किया है अगर आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट है जिसमें कि काउंटरिंग शेड है आप उसके थ्रू काउंटर कर सकते हैं यहाँ पर मैं अपने पूरे चेहरे को काउंटरिंग नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मुझे खाली अपने चिक्स को थोड़ा सा पतला दिखाना है क्योंकि ओवरऑल जो मेरा चेहरे का जो डायमेंशन है वो ठीक ठाक ही है तो मुझे सब जगह को काउंटरिंग करने की जरूरत नहीं है अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर लिया एल ए कलर्स का सो चिकी हाईलाइट एंड ब्लश पैलेट इसमें हाईलाइटर के दो शेड्स मौजूद हैं एंड ब्लश के चार शेड मौजूद हैं ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैलेट है और ये देखिएगा काफ़ी पिगमेंटेड है मैंने खाली एक ही बार अप्लाई किया है काफी अच्छे से, जो कलर है वो मेरे चीक्स पर उभर कर आया है देन मैं सेम पैलेट में फिर हाइलाइटर जो है वो मैं अप्लाई करूंगी जहां-जहां हाइलाइटर करना होता है वहां पर मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूं अब बारी आती है लिप्स की और मैंने यहां पर लिया है लैक्मे का नाइन टू फाइव विल्ट लिफ मूव लिपस्टिक लिप ग्लॉस इन अ शेड पिंक और ये काफी पिगमेंटेड शेड है जो कि आज के लोरे लुक के लिए परफेक्ट है लिप्स के बाद अब बारी आती है आई शेडो अप्लाई करने की मैंने जो लिप कलर अपने लिप्स पर अप्लाई किया है वही मैं अपने आईलेट पर अप्लाई करूँगी फ्रेंड्स ये एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है अपने आई शेडो का बेस तैयार करने का अगर आपके पास कोई भी अदर लिप कलर है वो आप अपने आईलेट पर अप्लाई कर सकते हैं आई शेडो का बेस तैयार करने के लिए और काफ़ी अच्छे तरीके से आपका जो आई मेकअप है वो निकल कर आएगा ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है फ्रेंड्स एक बार आप इसको ट्राई करके देखिएगा लिप कलर को अप्लाई करने के बाद मैंने फिंगर की मदद से उसको डैबिंग मोशन में ब्लेंड किया था देन मैंने क्लैमी कॉस्मेटिक का पिंक आई शर्टो पैलेट लिया है और जो पिंक कलर का जो शाइनिंग शेड है वो मैंने अपने आईलिट पर अप्लाई किया है अब मैंने यहाँ पर लिया है मोर्फी का जैकलिन हिल पैलेट ये काफ़ी अच्छा पैलेट है फ्रेंड्स आपको एक ही पैलेट पे काफ़ी अलग अलग शेड्स मिल जाएगी इसमें इस से जो पीछे कलर का जो शेड है वो मैं अपने क्रीज एरिए पर अप्लाई करूँगी और आ, हमें प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ जाना है और प्रॉपर आउटर कॉर्नर में भी जो है वो हमें क्रिएट करना है ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आई शेडो अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा मिनिमम पाँच मिनट में आपका जो आई मेकअप है वो कम्प्लीट हो जाएगा अब मैं अपने आउटर कॉर्नर में ये जो डार्क ब्राउन कलर जो है वो मैं अप्लाई करूंगी ताकि मेरा जो आउटर कॉर्नर का व्यू है वो उभर कर आए अब फेम पैलेट में से जो गोल्डन कलर है वो मैं अपने फिंगर की मदद से आईलेट पर अप्लाई करूंगी और ये देखिए हमारा आज का जो आई मेकअप है वो कम्प्लीट हो गया है आखिरी में फ्रेंड्स एक अलग ब्रश की मदद से आई ब्रश की मदद से जितने भी कलर हमने अपने आईलेट पर अप्लाई किया है वो उनको अच्छे से ब्लेंड करेगी ताकि कोई हार्श लाइन जो है वो ना दिखे क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं लोरी मेकअप ट्राई कर रही हूँ और आज मैं पहनने वाली हूँ पिंक कलर की आउटफिट तो मैंने अपनी जो आई मेकअप है वो थोड़ा तो पीची एंड पिंक कलर को क्रिएट करने की कोशिश की है और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का कोलोफिल मस्कारा एंड कोलोफिल काजल जो पीच कलर का आई शेडो मैंने अपने क्रीफ एरिया पर अप्लाई किया था वही मैंने अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई किया है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स जब भी आप आई शेडो अप्लाई करें जो भी कलर आप अपने आई अपने क्रीफ एरिया पर अप्लाई कर रहे हैं वही वाला कलर आप अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कीजिएगा इससे क्या होता है आँखें जो होती है वो बड़ी बड़ी दिखती है एंड उभर कर आती है जो काफ़ी देखने में ब्यूटीफुल लगती है नीचे काजल लगाने के बाद मैं थोड़ा सा काजल अपने अपर वाटर लाइन पर भी अप्लाई करूँगी एक छोटे से ब्रश की मदद से काजू को मच करेंगे जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है अब हमारा आई मेकअप जो है वह कंप्लीट हो गया है अब हमें फाइनल टच देना है फाइनल टच देने के लिए मैंने यहाँ पर एक एंगुलर ब्रश लिया है जिसकी मदद से मैंने थोड़ा सा कंसिलर लिया है और अपने बॉर्डर एरिया पर लगाऊंगी आउटर बॉर्डर एरिया पर ताकि जो भी हार्श लाइन थी आई के आउटर एरिया पर वो हमारी क्लियर हो जाए ये देखिए बिल्कुल एफ ए हमें करना है एक तरह का जो बॉर्डर है वो हमें क्रिएट करना है और देन इसको ब्रश की मदद से ब्लेंड कर देंगे और हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स आईब्रो को कैसे शेप में देते हैं उसके ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाई है उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी एक बार चेक कर लीजिएगा आप किसी भी आई शेडो पैलेट के थ्रू एक प्रॉपर जो आईब्रो का शेप है वो आप क्रिएट कर सकते हैं देन मैंने वेटर्न वर्ल्ड का मेगा लाइनर के थ्रू आई लाइनर ड्रॉ किया है सिंपल सा मैंने पतला सा आई लाइनर ड्रॉ किया है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं किया है और अगेन मैंने लिप्स के ऊपर एंड नीचे हाईलाइटर अप्लाई किया है एंड वेटन वर्ल्ड का जो मैट फिनिशिंग जो सेटिंग स्प्रे है उसके थ्रू मैं अपने मेकअप को स्प्रे कर रही हूँ ताकि मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे देन मैंने अपने आइस के इनर कॉर्नर में अगेन मैंने आईलाइनर ड्रॉ किया है इससे क्या होता है जो आँखें हैं वो बहुत ही अच्छी दिखती है अब मैं फॉल्स आई अप्लाई कर रही हूँ और मेरा जो आज का जो लोरी मेकअप लुक है वो कम्प्लीट हो गया है अब मैं ज्वेलरीज के थ्रू अपना जो मेकअप है वो कम्प्लीट कर रही हूँ तो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का मेकअप जिसको कि मैंने कंप्लीट किया है विद दिस ब्यूटीफुल ज्वेलरीज एंड आज मैंने नकली चोटी भी लगाई है ताकि मैं आज बिल्कुल पंजाबी कुड़ी लगूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की जो मेहनत है वो कैसी लगी बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट मेकअप लुक है या आप कभी भी किसी भी फंक्शन के लिए पार्टी फंक्शन हो वेडिंग फंक्शन हो तब आप ये क्रिएट कर सकते हैं तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल तो मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ तब तक लिए बाय और हाँ जो मैंने आई अप्लाई करने की आपको ट्रिक बताई है वो भी एक बार ट्राई करके देखिएगा तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए हैप्पी लोरी बाय